Welcome to the world of Radio Spark, the voice of Jaipuria. Suprabhat. Good morning to all. मैं आरजे पावनी और मैं आरजे गार्गी. Radio Spark, the voice of Jaipuria के मन से आप सभी का स्वागत करते हैं. आज हमारे बीच उपस्थित हैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा बनर्जी, जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय में पूर्णतः अपना अधिकार रखती हैं. आपके रग रग में संस्कृत इस तरह समाई है कि आप संस्कृत में वार्ता तक कर सकती हैं। That's great, पावनी. मैम शास्त्रीय संगीत में भी रुचि रखती हैं। मैम आप नेचर लवर हैं और सोशल इमोशनल लर्निंग SEL से भी जुड़ी हैं। मैम को डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रीय पुरस्कार तथा डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. मैम को 2016 में शिक्षक दिवस पुरस्कार तथा 2018 में आचार्य देवोभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. मैम इलिट्स 11th वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2021 में पैनलिस्ट भी रहीं. मैम को अभी हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एज अ इमिनेंट एजुकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है. मैम को रिसेंटली एक बार फिर से आचार्य देवोभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया. मैम आप हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रही हैं. फिर भी आपसे और कुछ भी जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं. मैम संस्कृत और संस्कृति ने किस प्रकार आपको अभिभूत किया है? संस्कृत और संस्कृति हैं तो दो शब्द, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. संस्कृत शब्द दो शब्दों का मेल है. सम कृत, साथ आके किसी चीज को करना, ये है संस्कृत. ऐसा युग था वैदिक युग में जब लोग वार्तालाप, शिक्षा सब कुछ संस्कृत के माध्यम से करते हैं, और संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वहीं से निकलती है हमारी संस्कृति. हमारी संस्कृति ऋषियों की वाणी और विद्वानों के सोच से बनी हुई है, और इसीलिए ये एक दूसरे पे निर्भरशील है. आज हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वो संस्कृत से बना हुआ है. चाहे उसमें हम बड़ों का आदर करना, आचार्य देवो भव की बात करें, या हम किसी तरह से पर्यावरण रक्षण की बात करें, हम पूजा की बात करें, चाहे हम हमारे दिनचर्या की बात करें, हमारे खाने पीने के आदतों के बारे में बात करें, हर एक चीज़ का हमारी संस्कृति के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका मूल आपको संस्कृत में ही मिलेगा. इसीलिए संस्कृत और संस्कृति ये शब्द साथ साथ आते हैं, साथ साथ इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक पर उठे हुए सवाल का जवाब आपको दूसरे से मिलेगा. संस्कृत का सवाल आपकी संस्कृति बताएगी, और संस्कृति से पे उठे हुए सवाल का जवाब आपको संस्कृत से मिलेगा. मैम संस्कृत मानव सभ्यता के विकास के लिए एक भाषा नहीं संस्कार है, आपके अनुसार क्या यह सही है? बिल्कुल सही है. अभी मैंने आपको बताया कि हमारे वैदिक युग में जिस भाषा का इस्तेमाल होता था वो था संस्कृत, और संस्कार वहीं से बने हैं. बाद में वैदिक युग के बाद में आके जब हमारी संस्कृति के ऊपर पहले मुगल शासन का और आगे अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ा तो हमारे संस्कार विकृत हो गए. जो मूल संस्कार था वहां से हट के हमने चीजों का गलत मतलब निकाल दिया. जो चीजें बाद में संस्कार के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों ने मानना शुरू किया, जानना शुरू किया, जो कि वाकई में मूल रूप तो था ही नहीं. जैसे सती प्रथा,
वैदिक युगों में नारी को इतना सम्मान दिया जाता था, शिक्षा के मामले में, हर चीज़ के मामले में। वहाँ कहीं भी नहीं बोला जाता है कि अगर किसी के, किसी औरत, किसी स्त्री के पति का अंत हो जाए तो उसे भी अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। यह किसी न किसी सोच, किसी न किसी नियम की विकृति थी। तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जब तक पूरी तरह से दूसरे किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं थी तब तक बिल्कुल ठीक थी। जहाँ हमने दूसरे संस्कारों के साथ उसका आदान प्रदान शुरू हुआ वहाँ जाके गलतियाँ होने लगी, वो विकृति थी। आपके विचार सुन के हमें बहुत अच्छा लगा मैम। मैम, संस्कृत भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? विद्यार्थी हैं आप, आपसे ज़्यादा तो कोई इस काम को कर ही नहीं सकता। हम आज प्रचार के युग में वास करते हैं और आपसे ज़्यादा कौन इस बात को लोगों तक पहुँचा सकता है कि संस्कृत के अंदर निहित है हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारा बड़प्पन। यहाँ तक कि आज पश्चिम के देशों ने भी हमारी संस्कृति के से चीज़ों को उठा के अपने अंदर शामिल कर लिया। हम कहते हैं इंटरनेशनल योगा डे, पर योगाभ्यास शुरू कहाँ से हुआ था? हमारे देश से शुरू हुआ था। तो आप विद्यार्थी अगर इस भाषा को अपनाते हैं, इसके अंदर निहित चीज़ों को अपने शिक्षा की प्रणाली में लाते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं में जाते हैं, लोगों से इस इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, लोग तो समझेंगे ही। आप इसके दूत बनिए, इस भाषा के लिए आप अग्रणी बनिए, आगे आइए और लोगों को आपकी बात तो माननी पड़ेगी। मैम, आपका उत्तर बहुत ही अच्छा लगा। मैम, देश की संस्कृति तथा संस्कार का प्रतिबिंब कहलाने वाली हिंदी को संरक्षित करने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, राइट? तो बात हम हिंदी की क्यों कर रहे हैं? तो ये बात सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, उसके साथ हम कभी भी किसी भी भाषा की तुलना नहीं कर सकते हैं। पर अंग्रेजी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और आज की शिक्षा, आज का रहन सहन की प्रणाली, आज का योगा योग ये बताता है कि हमें पूरी दुनिया से जुड़ना है। इस वजह से हम इंग्लिश को मेन मीडियम मान के पढ़ाई लिखाई करवाने की कोशिश करते हैं, पर इससे ये बात नहीं बदल जाती है कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है, हमारे संस्कार, हमारी सोच, सारी चीज़ें जो कि संस्कृत की है आदि तरीके से, पर वो हमारे हिंदी के अंदर भी प्रतिबिंबित होता है। और फिर से मैं बोलूँगी, आप अगर इंग्लिश हिंदी को अपनाते हैं, हिंदी अपने आप में इंग्लिश क्या कोई भी भाषा से ऊपर है, और इसमें न मुझे शक है ना आपको होनी चाहिए। मैम, संस्कृत और विज्ञान किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं? संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के पूरक तो है ही। आज के समय में आप लोग विषयों को अलग अलग देखते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंसेस, इस तरह से हम कहते हैं। पर कहीं ना कहीं आज की शिक्षा प्रणाली भी ये कह रही है, ये सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओतप्रोत हैं। उसी तरह विज्ञान संस्कृत से जुड़ा हुआ है। हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर जगह विज्ञान का जो स्रोत है वो निकला है संस्कृत से। चाहे हम चिकित्सा विज्ञान की बात करें, या हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें, या हम शरीर चर्चा की बात करें, जिस चीज़ के बारे में भी आप बात करना चाहते हो उसका मूल आपको विज्ञान में मिलेगा। विज्ञान की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के हिसाब से पाश्चात्य दुनिया से हमारे पास आई है, वाकई में ये सच नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, चार्ल्स डार्विन की जो
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो चार्ल्स डार्विन के शायद हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत समय पहले विष्णु पुराण में दशावतार के रूप में आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के विष्णु के सारे रूप उसी हिसाब से वर्णित मिलेंगे। उसी तरह लाइट ईयर जिसको कहते हैं, लाइट का स्पीड, इसका श्लोक आपको हमारे संस्कृत ग्रंथों में मिलेगा। जो सबसे प्राचीन चिकित्सक थे सुकृत, वो संस्कृत के ज्ञानी थे, उन्होंने ऑपरेशंस किया था, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी की थी, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ग्रंथों में मिलेगा। तो आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारे आज के चीज़ों से, जहाँ विज्ञान को हम अलग सोचते हैं पर उसका स्रोत, फिर से मैं बता रही हूँ, आपको संस्कृत में ही मिलेगा। धन्यवाद मैम, आपके विचार सुनकर हम सभी अभिभूत हुए। आपके विचार सुनकर मन आनंदित और प्रफुल्लित तो होता ही है, साथ ही हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपके विचार हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई आर जे पावनी एंड आई आर जे गार्गी साइन ऑफ, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो स्पार्क, द वॉइस ऑफ जयपुरिया। धन्यवाद।